हाँ, मूल प्रश्न ये है कि जिसको आपने भगवान कहा, हमारे यहाँ अगर वो पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहा, आदि अवस्था में एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म की एक माया है, उस ब्रह्म की माया का ये जो दृश्य जगत है एक प्रश्न है। दूसरा है कि उसने कहा ब्रह्म को उसने ब्रह्म नहीं माना, उसने कहा पुरुष है, एक पुरुष है एक प्रकृति है, तो जो पुरुष है उस पुरुष की जो प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति साम्यावस्था, जो प्रकृति की जो ये सारी प्रक्रिया है और उससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो जो ब्रह्म का जिसको आप भगवान कहते हैं, हमारे यहाँ भगवान भी बहुत छोटी चीज है। अगर हम अपने वैदिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें भगवान ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, क्योंकि अगर हम सृष्टि की बात करते हैं, अगर सृष्टि में भगवान कहाँ है, ये सृष्टि में है, सृष्टि में भी अगर भगवान, तो पहले सृष्टि उत्पन्न हुई कि भगवान उत्पन्न हुए, तो अगर भगवान भी सृष्टि में उत्पन्न हुआ है तो उस सृष्टि को किसने बनाया, ये विचार कोई नया नहीं है वैदिक दर्शन में, यहाँ तक विचार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सवाल बरकरार है क्योंकि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि भगवान क्या है। पर डावर साहब, स्टीफन हॉकिंस ने जो कुछ कहा वो तो हमने सुना, उन्होंने इससे पहले एलियंस के बारे में भी दावा किया था, वो आप वैज्ञानिक के तौर पर तो जाने जाते हैं, अपने दावों के लिए भी जाने जाते हैं, और आप में से कई वैज्ञानिकों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया था उनके कई दावों को। ये जो ताजा दावा है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या भगवान है? ऐसा है, पिछले 3-4 हजार सालों से आमतौर पर और पिछले 300-400 सालों से खास तौर पर मनुष्य ने प्रकृति को बड़े ध्यान से देखा है, परखा है और समझने की कोशिश की है कि सूझबूझ को साइंस कहते हैं। साइंस जो है ये मानती है कि मनुष्य भी प्रकृति का एक अंश है, बाकी पशुओं की तरह पशु है, इसलिए ऐसा दावा नहीं करती कि हम इतनी विशाल सृष्टि को समझ गए हैं पूरी तरह से। तो साइंस के सभी जो निष्कर्ष हैं, जो सभी खोजे हैं, वो एक तरह से टेंटेटिव होती है, आगे चल के उन पर सुधार हो सकता है और खोज हो सकती है और पर उसके ऊपर परिष्कृत किया जाता है, फाइन ट्यून किया जा सकता है, तो ये साइंस का रहता ही है। अच्छा, पिछले 300-400 सालों से ही ये महसूस किया जा रहा है कि इस हमारी प्रति को किसी ने जानबूझकर सोच समझ कर बनाया नहीं, और न ही इसको सोच समझ कर कोई चला रहा है। ये सृष्टि जंगली घास की तरह अपने आप उगी है, बिग बैंग जो थ्योरी है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे, अपने आप उगी है, अपने आप रेंडमली उत्पन्न हुई है और अभी भी चल भी रही है, तो अपने आप ही चल रही है, जिधर जब एक नदी की तरह से जिधर निचान होती है उधर चल पड़ती, तो ये हमारी पूरी प्रकृति का ये दृश्य है जो साइंस की नजर में है। फिर भी साइंस जो है ये नहीं कहती कि हमने अंतिम सत्य को जान लिया। अभी स्टीफन हॉकिंस से आपकी इतनी बात सुनने के बाद इत्तेफाक रखें या ना रखें? ऐसा है कि बहुत सालों से ये बात कही जाने वाली थी, कही जा रही है कि ईश्वर ने ये सृष्टि नहीं बनाई, लेकिन साइंस झिझकती इसलिए है कि साइंस के अपना एक चरित्र है वो ये कि अपने हम अंतिम सत्य नहीं जानते, इसलिए झिझक के बात करती है। आज से 18 साल आप इस पर अभी स्पष्ट कोई कमेंट नहीं करेंगे कि आपका भी कमेंट इसे चाहूंगा। अधिकार नहीं है अंतिम सत्य को जान लेने का, क्योंकि शायद अंतिम सत्य हम जान पाए, कभी नहीं जान पाए, इस पर भी शक करता है, इसमें भी शक करता है। क्या वो अंतिम सत्य वही भगवान हो सकता है? सवाल ये कि जैसे बात चल रही है कि खबर नई नहीं, खबर बहुत पुरानी है, बुद्ध ने भी जैसे कहा और लोगों ने भी सोचा, विज्ञान का जब जन्म होता है आज से करीब 400 साल पहले, खास बात होती है, इसके पहले सत्य को किसी के ओपिनियन से प्रूव किया जाता था, इतने बड़े महान संत ने कहा, उसने एक हाथ, दोनों में ये विरोधाभास है तो ये हो सकता है। विज्ञान ने कहा कि भाई करके देखो, कई सारी चीजें छोटी सी बात थी कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, कैसे गिरती है, लोग बोलते हैं कि जमीन को मतलब चीजों का नीचे गिरने का गुण है, कुछ का ऊपर जाने का गुण है, हवा ऊपर जाती है, अग्नि ऊपर उठती है, पत्थर नीचे आता है, मिट्टी नीचे आता है, सारी चीजों को गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट से गलत साबित किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया कि भारी चीज हल्की चीज एक साथ ही, अभी कौन सा एक्सपेरिमेंट हुई है, फिर न्याय पद्धति ज्ञान की विकसित होती है, निकल के आती है, जिसमें आप टेस्ट करके ऑब्जर्व करके आप सत्य को जानते हैं। जैसे शुरुआत होती है तो प्रकृति पता चला अपने नियमों से चल रही है, तो कुछ ने कहा कि भाई गुरुत्वाकर्षण तो है, गुरुत्वाकर्षण क्या क्यों है ये सवाल, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण कैसा है तो बता दिया, क्यों है नहीं बता पाए, उसकी खोज की आइंस्टाइन ने, क्योंकि स्पेस की अपनी प्रॉपर्टी है। सवाल यहाँ पर ये साइंस जो कुछ कर रहा है अमिताभ जी वो तो हमारे सामने है, और साइंस को समझने वाले या हम देखते हैं कि स्कूल में भी जो पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको समझते हैं। साइंस किसी चीज को डिक्लाइन करना या किसी चीज को इनकार करने के लिए क्यों सामने आ रहा है कि भाई ये चीज नहीं है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद शास्त्री जी भी हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं, तो पंडित जी मैं चाहूंगा कि आप भी इस चीज को, भगवान है और ये हम जानते हैं कि आपकी उनमें आस्था भी है, वो है, इसके लिए हम क्या बातें रख सकते हैं या किस तरह से स्टीफन हॉकिंस साहब को समझा सकते हैं?
भगवान है इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि ईश्वरीय एक ऐसी शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में और कई पुराणों में सृष्टि की रचना के बारे में कहा है, जब विज्ञान का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था, उस समय भारतीय वैज्ञानिक साहित्य ने ये सब कुछ बताया था। तो ईश्वर के संदर्भ में कोई व्यक्ति अगर ये बात कहे, वैज्ञानिक अगर ये बात कहते हैं कि भगवान है ही नहीं या भगवान ने कुछ नहीं किया, सही में उनका दोष नहीं है, क्योंकि जो भगवान को जानते नहीं, भगवान की शक्ति को नहीं जानते, वो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ति देखी ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे मेरे माता पिता ने पैदा नहीं किया, मैं तो अपने आप हो गया, तो इससे कोई प्रमाण कोई थोड़ी सत्काल दे सकता है। उसके बाद अपने आप धीरे धीरे पता लगता है कि कौन क्या स्थिति है। ये वैसी ही स्थिति है कि ईश्वर को नकारना, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसने ब्रह्मांड को बनाया। वैदिक वाङ्मय में सबसे पहले स्वयंभू मंडल बना, ये जिस तरह से वैज्ञानिक मानते हैं, अभी तो विज्ञान खोज करता है, जो ईश्वर ने बनाया उसके कुछ अंशों को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने क्या क्या बनाया, क्यों बनाया, बस इसकी कोशिश में लग रहे हैं। कि जैसे वैदिक वाङ्मय में कहा है, सबसे पहले स्वयंभू मंडल बना, स्वयंभू मंडल के हजारों लाखों करोड़ों परमेश्वरी मंडल चक्कर लगा रहे हैं, और परमेश्वरी मंडल के करोड़ों अरबों सौर मंडल चक्कर लगा रहे हैं। स्वयंभू मंडल, परमेश्वरी मंडल और सौर मंडल, इन तीनों ही को ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप कहते हैं। तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों ही की शक्तियां हैं, और ये तीनों शक्तियां ही, क्योंकि शक्ति ही जो ये जो अब खोज रहे हैं, जिस तरह का आविष्कार कर रहे हैं, उन शक्तियों का ही तो आविष्कार करते हैं, उन्हीं का तो अन्वेषण करते हैं, और ये शक्तियों का अन्वेषण करने का ऐसे शास्त्री जी ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान का आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो काफी लॉजिकल भी लगता है, कि आप भक्ति को, विज्ञान को, या विज्ञान को आप पौराणिक नजरिए से, ज्योतिष के नजरिए से, वेदों के नजरिए से भी बता रहे हैं। भगवान को जैसा हम समझते हैं, जिस भगवान को हम अगरबत्ती लगाते हैं, जिस भोले बाबा की प्रतिमा को हम प्रणाम करते हैं, क्या भगवान का रूप वही? मैं डॉक्टर साहब इस पर आपका कमेंट लूंगा, लेकिन कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले हमको लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। जितने कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक अपने सवाल रखना चाह रहे हैं, विचार रखना चाह रहे हैं, वो हम रखेंगे, और छोटे से ब्रेक के बाद अपने तमाम मेहमानों से बातचीत भी जारी रखेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की, और उसके उसके लिए टेलीविजन पर भी कई कई तस्वीरें रखी गई। इनफैक्ट ये कहा जाता है सिर्फ धरती नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचना भगवान शिव ने की। तो वो उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, और एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।